हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है एडीओ का कल जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की। बहुत सारे बच्चों को मैंने कहा कि बहुत सारे कोचिंग वालों ने आंसर की डाल दिया, आप मिला सकते हैं, लेकिन नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं सर आप ही वीडियो बना दीजिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए 150 क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो हम सिर्फ आंसर आंसर देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन किसका किसका आंसर सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कल आए थे और किस किस प्रकार के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अंदर में पहला जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस वाले या जनरल छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में कि निम्नलिखित में से आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट सचिव। देखिए कैबिनेट सचिव जो होता है वो भारत में वरीयता क्रम में 11वें क्रमांक का होता है, और अभी कैबिनेट सचिव जो है वो प्रदीप कुमार सिन्हा जी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में, लेकिन आगे चलते चलते देखते चलते हैं। सामान्य परिस्थिति में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? तो यह होता है नगर आयुक्त के पास में। ठीक है, किसके पास में होता है? नगर आयुक्त के पास में। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? यह स्थित है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं होता? ये गलत क्वेश्चन है, मेरे 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 विचार से बहुत गलत क्वेश्चन दिया हुआ है व्यापम ने। क्या लिखा हुआ है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? तो ये चारों के चारों तो इस राज्य में उपलब्ध है, क्योंकि मैग्नीज, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए वहां पर दिया हुआ है कि मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है। तो मैग्नीज लिखा हुआ है बिलासपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बुक में आप देखेंगे तो मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है, सीधा सीधा बोल रहा है। ठीक है, तो ये चारों उपलब्ध है, लेकिन इस चारों में से ये तीन ज़्यादातर उसमें उपलब्ध है और ये कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए आंसर इसको लिया गया है। लेकिन मेरे विचार से ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं आठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सब जानते हैं तीरथगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? तो ये सिलतरा है, सभी जानते हैं सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा है। ठीक है, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के किस नाम पर है? तो यह है हिदायत उल्ला के नाम पर, आप सभी जानते हैं हिदायत उल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नया रायपुर में है जो। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? तो यह होता है मुख्य सचिव। निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य की संस्कृति के आधार पर है? तो इसको बहुत सारे लोगों ने उपयुक्त सभी लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से इस राज्य की संस्कृति के आधार पर, तो संस्कृति जनजाति जीवन शैली के आधार पर आएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। निम्न प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो ये सोम वंश के राजा थे। ठीक है, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन सा था जिसने शासन काल में यूरोपीय काल कोलबुर्ग आया था? तो ये केशव गोविंद, ए ऑप्शन इसका सही है। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? तो ये हुए थे माखनलाल चतुर्वेदी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? बहुत सारे लोग रायपुर मार के आए हैं, इसका सही आंसर है दुर्ग। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? यह महासमुंद। इसके बाद चलते हैं, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन? ये तो मैंने कई बार इसके संबंधित तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था, तो आप सभी इसमें रायगढ़ ही मार के आए होंगे, सबका सही होगा। ठीक है, चक्रधर समारोह जो होता है, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन था, लेकिन इसका सही आंसर है ममता चंद्राकर। इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपराओं पर आधारित होती है? कर्मा नृत्य। बहुत सारे लोग सुआ नृत्य मारकर आए हुए हैं, तो इसका सही आंसर है कर्मा नृत्य। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजाति सूचीबद्ध है? एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 42 जनजाति सूचीबद्ध है। मारिया, मुरिया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजाति है? तो यह गोंड जनजाति की उप जनजाति है। इनमें से किस राज्य की जनजातियों की इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया था? यह सभी जानते हैं आप कि वेरियन एल्विन है। ठीक है, इन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी हुई है। इसके बाद में 24वां क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसी थी देखिए जीएसटी के तो मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, जीएसटी का वीडियो भी बनाया हुआ है, 1 जुलाई 2017। निम्नलिखित में ऐसे भारत के वर्तमान मुख्य सचिव, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि नसीम जैदी की जगह में अचल कुमार ज्योति ने ये लिया है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त। जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 को G20 शिखर सम्मेलन? तो ये हैमबर्ग। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियनशिप? तो ये गार्बिन गुर्गेजा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? तो ये तो बहुत टाइम से न्यूज में चलता हुआ रहा है किम जोंग के बारे में, तो ये क्वेश्चन आना ही था। ठीक है, तो व्यांग यांग। ठीक है,
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? बहुत इजी क्वेश्चन था, बिहार के। मैंने कई बार ये क्वेश्चन लिया हुआ है अपने जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 ये भी मैंने लिया हुआ था, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसके बाद में आजीविका की तरफ चलते हैं। तो आजीविका का पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत में, तो ये दोनों ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र होंगे। ठीक, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM में किस बिंदु से पृथक है? तो इसका आंसर किसी ने नहीं लिया, इसका आंसर है सी। ठीक है, NRLM में NSGS, ठीक है, वाई आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया गया है, तो इसका आंसर है सी। इसके बाद में 33वां क्वेश्चन है, NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवारों की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो आप सभी जानते हैं गरीबी की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर होता है। फिर NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये उपयुक्त सभी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने परिक्रामी निधि लिया हुआ है या जोखिम न्यूनीकरण लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है? तो यह है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक, उसके बाद में मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योग द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है, तो यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। उसके बाद में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, तो ये हुआ 2005। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? तो कृषि नहीं आता। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष पारित किया गया था? 1956। ये तो मैंने लिया हुआ है, साफ साफ बताया हुआ है कई बार क्वेश्चन में। स्व सहायता समूह, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे जो क्वेश्चन इसके अंदर में लिए हुए थे स्व सहायता समूह के अंदर में। तो 10 से 20 आपने देखा होगा वीडियो, तो बहुत आसानी से आप ये सब बना लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में कमेंट आया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब के कई वीडियो के नीचे में कमेंट आया कि जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं उसमें से लगभग 75% जो है क्वेश्चन हमारे जो वीडियो बनाए गए हैं उनमें से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। तो 41वां क्वेश्चन है, क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जा सकता है? तो इसका भी सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, यहां पर लिया हुआ है, देखिए ये जो आंसर लिया हुआ है वह है बैठक पंजी, लेकिन ये सभी आएगा, तो इसका डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आप उपयुक्त सभी वाला डी ऑप्शन पर टिक मारे होंगे तो आपका आंसर सही होगा। NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि प्रदाय करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर है माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान। ठीक है, उसके बाद स्व सहायता समूह के बैठक लिंकेज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा कथन गलत है? तो यह है बैंक स्व सहायता समूह से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्ष कर दिए, तो इसका आंसर सही बी है। ठीक, उसके बाद में 44वां क्वेश्चन चलते हैं, स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु तो कुछ मापदंड तय किए गए, निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? तो पहला वाला जो मापदंड है वो गलत है, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो, तो ये गलत है। ठीक है, ये कई बार मैंने ये वाला क्वेश्चन भी लिया हुआ है अपने वीडियो में। सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? सरकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये गलत है। सहकारी बैंकों को निम्नलिखित में से किस वर्ग में विभाजित किया गया है? तो ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? तो ये कॉपरेटिव बैंक को अधिक पसंद किया जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन ए सही है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाताधारक या ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति बैंक का शेयर धारक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके, तो ये ई नाम। ठीक, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौती संबंधित संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये उपयुक्त सभी सही है। इसके अंतर्गत में निम्नलिखित मतों में से ग्रामीण बाजार में बढ़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में सही है? तो ये है जल्दी चलाने वाली उपभोक्ता सामग्री। ठीक, निम्नलिखित में से सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? तो ये ITC लिमिटेड। ठीक है, ITC लिमिटेड है, इंपीरियल टबैको कॉरपोरेशन लिमिटेड मेरे ख्याल से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे दुग्ध उत्पादन में वजन के अनुपात में अधिक वसा होता है? तो यह घी। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पादक सामान्य तापमान से अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? तो यह है घी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध सबसे ज्यादा वसा पाया जाता था? भैंस। ठीक है, बफेलो बी आंसर सही है इसका। हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? तो सभी जानते हैं कि घास भूसा यानी पैडी स्ट्रॉ। ठीक है,
इसके बाद में चलते हैं 57वां क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित होती है? नील क्रांति, कई बार क्वेश्चन हमने किया हुआ ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय सरकार द्वारा संचालित की जाती है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो कौन सा होगा? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक। उसके बाद में चलते हैं भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा का संबंध है? तो सही सही बात है, एम एस स्वामीनाथन भारत में, और हरित क्रांति के एवं वर्यन वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के लिए, तो ये सही है, बी ऑप्शन इसका। 60वां क्वेश्चन है, ये मिश्रित खेती से तात्पर्य है, तो एक ही भूमि में फसल की खेती करते तथा पशुओं का पालन करने, ये ए वाला जो ऑप्शन 60वां क्वेश्चन का सही है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ए सेट है, ठीक, ए सेट नहीं है, ये बी सेट है शायद, देख लीजिएगा कौन सा सेट, क्योंकि सभी सेटों में तो क्वेश्चन इधर के उधर किए हुए रहते हैं, क्वेश्चन बदले हुए नहीं होते, इधर उधर आगे पीछे करके दिया हुआ है। तो पंचायती राज में चलते हैं, पदेन सदस्य सदस्यता के विषय में सही क्या है? तो देखिए इसके अंदर में सही है, आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, और क्वेश्चन के अंदर में जो बी वाला ऑप्शन है 2 और 3, यानी कि 20% सरपंच जनपद पंचायत में पदेन सदस्य होते हैं, और जो तीसरा इसका ऑप्शन है कि जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो 2 और 3 यानी कि बी जो ऑप्शन है वो इसका एकदम सही आंसर है, ठीक। तो आपको यही मार्कर यानी आपने ये किया है तो आपका सही होगा। इसके बाद में 62वां का जो क्वेश्चन है वो है कि ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है, ठीक है, प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है? तो गुप्त मतदान, हाँ ठीक है, एकदम सही है। उसके बाद में इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, ठीक है, तो ये वाला भी सही है, तो 1 और 3 इसके अंदर में सही है, ए सही है, ठीक है। इसके बाद में 63वां क्वेश्चन है कि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, जो अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, पारित करने के लिए के विषय में क्या सही है? तो इसके अंदर में ऑप्शन आएगा 2, 4 और 6, ठीक है, तो ये डी वाला जो ऑप्शन है इसका ये सही है इसके अंतर्गत, ठीक। उसके बाद में 65वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं, कौन से कार्य, ठीक है, पंचायत द्वारा किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जो 64वां का सही आंसर है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं? तो देखिए इसके अंदर में जो 64वां क्वेश्चन के अंतर्गत में, एक मिनट में बता देता हूँ आप लोगों को, स्वच्छता सफाई सार्वजनिक ग्रामीण, देखिए 64वां क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद या इसके कमेंट में मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना रख रखाव और देख रेख का कार्य कौन करता है? तो ग्राम पंचायत करता है, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन करता है, तो ये करता है ग्राम सभा। उसके बाद में पंचायतों वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये भी होता है ग्राम पंचायत की, ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है। देखिए इस साइड में टिक लगा हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद में ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए, तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र भीतर समाविष्ट किसी, तो इसका सही आंसर होगा 2, 1 ग्राम और राजस्व ग्राम, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 या 3, ठीक है। इसके बाद में किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? देखिए बहुत सारा लंबा लंबा है, तो इतना पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए आप सीधे सीधे आंसर को देखिए, ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, 1, 5 और 7। उसके बाद में ग्राम सभा के संदर्भ में क्या सही क्या है, ठीक है, तो 70वां का जो आंसर होगा वो होगा सी, 1, 2 और 5। उसके बाद में 71वां क्वेश्चन है कि वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन वार्षिक बजट लेखा सम परीक्षा प्रतिवेदन वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है, यदि इसका क्या होगा? ग्राम सभा में ग्रामपूर्ति की उपस्थिति हो। देखिए ये तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये आप गलत करके नहीं आ सकते। उसके बाद में 72वां क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, ठीक है, 2, 3 और 5। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में क्या सही है? तो इसका आंसर सही है बी, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद में जिला प्रशासन की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, 2, 4 और 5। सूची को सम्मिलित कीजिए, नीचे कूट भाषा में दिया गया हुआ है, तो इसको भी आप सही हिसाब से मान लीजिएगा, तो ये सी है, ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इसके बाद में 76वां क्वेश्चन है कि सरस्वती साइकिल योजना के बारे में सही क्या है? तो देखिए सरस्वती साइकिल योजना के बारे में सही है डी, 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5 के अधिक साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में यह कक्षा 9 में प्रवेश छात्राओं को दी जाती है, एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद में चौथा जो है यह अनुसूचित जाति जनजाति को दिया जाता है, एकदम सही है, तो 1, 3, 4 वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में सबसे पहले
सही क्या है? तो ये इसके अंदर में सही है डी, 1 3, 1 2 3 और 4। इसके बाद में 18 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना फरवरी 2006 में लागू की गई, प्रथम चरण में यह राज्य 11 जिलों में लागू किया गया था, निम्न सूची में से कौन सा जिलों को सम्मिलित नहीं किया? तो यह रायगढ़, रायपुर, कोरबा और महासमुंद थे, ठीक है, जो 11 में जिनको शामिल नहीं किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है, तो इसके अंदर में चौथा और पांचवा सही नहीं है। मजदूरों और सामग्री का अनुपात जो होता है 50-50 नहीं होता है, ठीक है, तो ये सही नहीं है। उसके बाद में पांचवा जो है, मांग करने पर 1 सप्ताह के भीतर रोजगार दिया जाता है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में क्या सही है? ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या सही है? तो 1 2 3 और 4 सही है। उसके अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंच सूत्र में क्या सुमिलित किया गया है? तो यह है तीसरा, नियमित साप्ताहिक निवेश, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 82वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? तो 73वें संविधान संशोधन के बारे में जो सही है वो है 1 3 और 5, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। 83 क्वेश्चन का जो है, सुमिलित कीजिए लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये हमने कई बार पढ़ा है कि 243 का किसके लिए है किसके लिए नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, सी है। इसके बाद में 84वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अक्षेपित है? तो ये ए इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो उसके बाद में राज्य वित्त आयोग के संबंध में संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो क्या सही नहीं है, तो उपयुक्त तो में से कोई नहीं, ठीक। उसके बाद में यानी डी ऑप्शन इसका सही है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अधिसूचियां हैं? तो 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अधिसूचियां हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। इसके बाद में चलते हैं 87वां क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है डी। उसके बाद में 88 क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, ये धारा वाला आप देख लीजिएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए, ठीक, यहाँ पर टिक लगा हुआ है। अब देखिए 89 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन इसको देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है अनुसूचित धारा वाला, तो 89 वाला क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में 90वां क्वेश्चन है कि जिला पंचायत की संरचना, जो जिला पंचायत की संरचना है, तो ये देख लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द जिला पंचायत व्हाट आर नॉट करेक्ट, तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद में चलते हैं ग्रामीण विकास की तरफ में, तो ग्रामीण विकास के अंदर में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पद योजना के अंतर्गत का निर्माण कार्य जो है, तो उसका सही आंसर है डी, कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो मिनिमम जो इसका बी आंसर है, न्यूनतम वार्षिक बीमा 300 रुपये वाला, ठीक। इसके बाद में 93 क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या क्या है? तो इसका नन ऑफ दी जाएगा, क्योंकि इसको कोई जानता नहीं है कि इतना ही डाटा होगा, ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र और राज्य का भागीदारी कितना, तो 75 और 25, ठीक है, तो ये कई बार हमने पढ़ा हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकक्षण कराने की अवधि क्या होती है? तो 6 माह, कई बार हमने पढ़ा है। सामाजिक अंकक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है उपयुक्त सभी को, ठीक। उसके बाद में सामाजिक अंकक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भी दिया हुआ है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। उसके बाद में सामाजिक अंकक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो ये है एजेंडा की घोषणा कम से कम 1 माह के पहले, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 में बैंकों के अग्रिम ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो देखिए ये जो है एग्जैक्ट डाटा वाला क्वेश्चन है, तो डाटा वाला जब क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट, तो ये सही, यानी जब हम टिक लगा दें तो ये सही होना बड़ा दिक्कतदायक है। ये अभी तक आंसर इसका मैंने भी खोजा तो नहीं मिला मुझे, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप जब आंसर किया आएगा इसका, तो ठीक। बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य के कितने जिलों में RSETI की स्थापना की गई है? तो ये 18 जिलों के अंदर।
छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेश के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत इतने तक कितने खाते खोले जा चुके हैं? तो ये है 1.32 करोड़। मुद्रा के अंतर्गत में शिशु ऋण योजना में कितने रुपए की ऋण स्वीकार करने का प्रावधान है? तो 50,000। ठीक है, ये भी मैंने शायद कई बार बताया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति विकास निधि के अंतर्गत कितनी बाड़ी विकास परियोजनाएं चल रही है? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 67 है, बी। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो ये होता है कार्यपालन अभियंता। इसके बाद में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है, यदि किसी तीसरे पक्ष का हित जुड़ा हो तो 40 दिनों के भीतर देना होगा। वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे या किन्हें विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है? तो यह है बोथ ए और बी दोनों। ठीक, देश में नई वाटरशेड परियोजना किस तिथि से कार्यान्वित है? तो यह है 1/4/2008 से। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो ग्राम पंचायत द्वारा इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है। इसके बाद में वाटरशेड परियोजना के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है? तो किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है? तो ये पीने के पानी की अत्यधिक की कमी, के जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन, अवक्रकृत भूमि की उपलब्धता, वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना। तो देखिए, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर मेरे ख्याल से तो बी है। ठीक है, वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? तो ये 3 स्तर होते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत में मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या होगी? तो इसका सही आंसर है 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन की मजदूरी का कार्य। ठीक है, आयु आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत में आवेदक की आयु, देखिए ये आयु वाला क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को कराया था। ठीक है, तो ये 18 से 59। पात्र रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रमी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो ये है 15,000 रुपये देने के। ठीक है, इसके बाद में इंदिरा आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसके अंदर में है फाइनेंशियल, यानी ये जो इसका डी वाला ऑप्शन है, पहाड़ी क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु 80,000 की वित्तीय सहायता जो दी जाती है, ये इसके अंदर में सही नहीं है। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत में एक आवेदन के कार्य की मांग करने के लिए कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार बनता है? तो 15 दिनों के बाद। ये क्वेश्चन भी कई बार किया हुआ है। मनरेगा के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार के कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है? तो ये 200 दिन का है। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य की वित्तीय अंशदान क्या है? तो यह है 40%। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये दिया जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही है, सभी जानते हैं आप। सामुदायिक निवेश कोष में स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? तो यह दिया जा सकेगा 75,000 का। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं कम से कम 100 लोग के बसावट वाले गाँव के लिए। ठीक, इसके बाद हिंदी में आ जाते हैं, तो हिंदी को देखते हैं। ठीक है, तो हिंदी का जो पहला प्रश्न है, साल दर साल किस समाज का उदाहरण? तो ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। साल दर साल किसका है? तो अव्ययी भाव का उदाहरण है। ठीक है, द्वंद्व समाज के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी जानते हैं द्वंद्व समाज के 3 भेद होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समाज के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। उसके बाद में चलते हैं, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है, तो यह है अनिवार्य। ठीक है, क्या है? अनिवार्य। एक मिनट, लेकिन मुझे इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अनिवार्य ही है। ठीक है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो यह विकारी शब्द है। ठीक, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? यह सहायक क्रिया का उदाहरण है। जीवन काल में वाक्य का महत्व अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, हम लोग थोड़ा गलत दिशा में चले गए हैं। ठीक है, देखिए यहां से स्टार्ट है हिंदी। पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? तो एकार्थ शब्द कहते हैं। ठीक है, एकार्थक शब्द। निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी क्या है? तो यह है गति और चेष्टा। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो खुश जो है वो उपसर्ग है। ठीक, उसके बाद में प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? तो प्रत्यय 2 शब्दों से बना होता है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है फिर। ठीक है, दर सार किस समाज का उदाहरण? तो ये अव्ययी भाव का है। द्वंद समाज के लिए कितने भेद होते हैं? तो ये 3 भेद होते हैं। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए क्या है? तो अनिवार्य। ठीक है, संज्ञा
संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो ये विकारी शब्द है। उसके बाद में 129वां चलते हैं, माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह माँ ने बच्चों को बुलाया, तो कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये जो ऑप्शन दोनों ने लिया है ये गलत लिया हुआ है, ये है कर्ता ने, ठीक है। माँ ने बच्चों को बुलाया, ये कर्ता ने होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ठीक। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? ए, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? तो यह है मैं आप ही चला आता हूँ, ठीक है, मैं आप ही चला आता हूँ, इसमें हुआ है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। आप सभी जानते होंगे संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जो होता है वो होता है जैसे कि 3, 4, 5, जिसको हम कहते हैं निश्चित, यानी कि उसमें निश्चित संख्या होती है। और अनिश्चित में क्या होता है कि कई, अनेक और कुछ कुछ लिखा हुआ था, तो वो अनिश्चित में चले जाते हैं। और निश्चित के 6 भेद होते हैं, तो ये बहुत सारे इसके अंदर में होता है, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जो 131 के बाद में 132, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण? तो ये सहायक क्रिया का उदाहरण है। जीवन में वाक्य का महत्व क्या है? तो अपने भावों को की अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है, जीवन में भावों की अभिव्यक्ति के लिए, ठीक। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। देखिए कई लोगों ने 6 मार के आया है, ठीक है, तो 6 कैसे मार गया पता नहीं, समझ में नहीं आया, और मुझे कह रहे हैं कि 6 सही है सर, लेकिन इसका आंसर क्या है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। देखिए विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो ये कुल 8 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो 6 जिसने मारा है वो गलत है, 8 सही है, ठीक है। उसके बाद में 135 चलते हैं, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? तो यह है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम है, पहले कर्ता फिर कर्म, तो ये मैंने भी कई बार बताया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्य में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो यह है वह बी इसका सही ऑप्शन है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना हो? ठीक, घोड़ों पानी पड़ जाना, मुहारा का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ जाना, ठीक है, ठीक है, थोड़ा उच्चारण में दिक्कत आ रही थी, घड़ों पानी पड़ जाना, ठीक है। तो इसका होता है अत्यंत लज्जित होना। इसके बाद में चलते हैं 109, बांस उछलना, मुहावरे का सही अर्थ है बहुत खुशी होना, जिन ढूंढा 3 पाइयां, गहरे पानी पैठ। तो इसका सही आंसर है परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा, आगे नाथ न पीछे पहगा पगहा, ठीक है। कहावत का सही अर्थ क्या है? किसी तरह जिम्मेदारी न होना। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द क्या है? तो अधिशुल्क। उसके बाद में 143 है, निम्नलिखित में से मूल स्वर समूह को चिन्हित कीजिए, तो अ ई उ, ठीक है। उसके बाद में वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है? तो वर्तनी का जो संबंध है वो निम्न में से, एक मिनट ना थोड़ा इसको अच्छे से देख लेते हैं उसके बाद में बताते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? वर्तनी का संबंध किसे में किससे संबंधित होती है? भाषक ध्वनि के उच्चारण से, ठीक। उसके बाद में दही का शब्द लिंग क्या है? तो दही का शब्द लिंग है पुल्लिंग। प्राण और अक्षत, इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? प्राण और अक्षत, इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? तो ये बहुवचन के अंतर्गत रखेंगे, ठीक। उसके बाद में 147वां है निषिद्ध, ठीक है। निषिद्ध का संधि विच्छेद कीजिए, तो निधन सिद्ध, ठीक है, निषिद्ध। उसके बाद में रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है? तो 20, कितनी है? 20, तो डी ऑप्शन इसका सही है। कालीन किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। तो ये कुछ इस प्रकार के 150 प्रश्न है, आप अगर मिलाना चाहते हैं तो यहाँ से मिला सकते हैं, और बहुत सारे साइट्स ने या बहुत सारे कोचिंग वालों ने आंसर की डाला है, आप चाहें तो वहाँ से मिला सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था, जय हिंद। हाँ, इसके बाद मैं बता देता हूँ कि आप तो एडीओ का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, इसके बाद में फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, तो फूड इंस्पेक्टर के तहत जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं अपलोड जरूर करूँगा, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम था, और एडीओ का एग्ज़ाम भी था 29 को, तो बहुत सारा टाइम ऐसे ही निकल गया, और अब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो फूड इंस्पेक्टर में आने लायक है, तो वो क्वेश्चन मैं अपलोड जरूर करता रहूंगा बीच बीच के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे 10 नवंबर से पीएससी, सीजी पुलिस, पटवारी, छात्रावास। तो ये चारों का जो सिलेबस होता है वो लगभग लगभग सेम होता है, तो हम इस चारों के सिलेबस के अकॉर्डिंग
ही 10 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा दिल्ली जा रहा हूँ तो जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो हम 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे और 10 तारीख से चालू करेंगे PSC, पटवारी, छात्रावास और CG पुलिस, क्योंकि इसके सभी के लगभग लगभग सिलेबस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जिस कारण से हम उसको स्टार्ट करेंगे 10 नवंबर से। तो 10 नवंबर से आप तैयारी कर लीजिएगा, 10 नवंबर से हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करेंगे, थ्योरी बेस से पढ़ेंगे एकदम स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।